मानते हो, क्या पीछे कारण रहे? आपको नोटिस भी जारी किए गए जीटीवी विभाग द्वारा, क्यों तोड़ी गई, क्या कोई पीछे पीछे साजिश की, वो आ रही है आपको? देखिए, मुझे कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया। अगर मुझे नोटिस जारी किया गया होता तो मैं अपने कलाकार साथी को इकट्ठा करती, मैं सीएम तक या पीएम तक जाती। लेकिन मेन बात यही रही कि मुझे कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, ना ही तो मुझे खाली करने का दिया गया और ना ही मुझे तोड़ने का कोई नोटिस दिया। डीटीवी विभाग ये कह रहा है मैम कि हमने जो ईश्वर है और पवन है जिनके नाम ये जमीन है, उनको चार बार नोटिस है वो दिया था, जिसके बाद हमने कार्रवाई की है। अगर उन्होंने नोटिस दिया है तो वो दिखाएं, वो रिसीविंग दिखाएं, वो ये मतलब प्रूफ करें कि हमने मतलब नोटिस दिया था। उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। शुरू में आज से 1.5 साल पहले एक शो को उन्होंने दिया था, जिसका ये तो प्रशासन ही बता सकता है। ये बात आप प्रशासन मैं क्या क्या क्या, क्या क्या आपके पास इस पूरी जमीन पे फिल्म सिटी बनाने के लिए सीएलयू या फिर कोई सरकारी कागजात है कि हम यहाँ पर निर्माण है वो कर रहे हैं? देखिए, ये कोई मतलब कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी, ये अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ऊपर उठाने के लिए थी। और जब एक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, उसके लिए शायद सीएलयू की जरूरत नहीं होती। और हम कलाकार लोग हैं, हमारे पास इतना बजट या इतने पैसे नहीं होते कि हम रिश्वत देके और हम लाखों करोड़ों रुपए की सीएलयू ले और फिर हम काम करें। क्योंकि हम ये मैं खुद कलाकार हूँ तो मैंने अपने और कलाकार भाइयों के लिए ये काम किया। तो क्या आप ये मानते हो कि रिश्वत है वो सीएलयू के लिए ली जाती है हरियाणा सरकार में? क्योंकि आपने एक बड़ी बात है वो अभी कही है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, मेरी कई लोगों से बात हुई, मेरी डीटीपी से भी बात हुई, सबसे बात हुई, तो सबने मतलब यही कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली ही चीज़ें मतलब बताई मुझे। तो क्या आपने इस पूरे मामले को संज्ञान में मुख्यमंत्री या फिर जो प्रशासनिक अधिकारियों के आप लेकर गए थे, क्या आप मुझसे रिश्वत है उसकी डिमांड की जा रही है सीएलयू को लेकर? नहीं, इस चीज़ को मैं लेके नहीं गई, लेकिन अभी मैं लेके जरूर जाऊंगी। क्योंकि डीटीपी ने मुझे ये आश्वासन दिया था जब मैंने उनको रिप्लाई किया एक लीगल तरीके से कि आप मतलब करिए, ये कल्चर एक्टिविटी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही यहाँ पे पोल्यूशन का है, ना ही कुछ। अगर मान लो किसी को पता हो कि उसका घर टूट रहा है तो क्या वो मदद नहीं मांगेगा? वो इतना चुप कौन बैठ जाएगा? मैडम, आपने कल एक हमें प्रेस नोट भेजा था जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का न्योता दिया गया था आप द्वारा। उन्होंने एटीपी अंजू जिन पर आपने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश की, मुझ पर बेवजह दबाव बनाया गया, जो वो कार्रवाई है वो जब फिल्म सिटी को तोड़ रहे थे, इसको वहाँ पर क्या बातचीत हुई थी आप? बिल्कुल, जैसे ही एटीपी अंजू जून की टीम आई और साथ में उनके जो पुलिस फोर्स भी थी, तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा जी, मेरा देखो लाखों रुपए का सामान है और वो सामान भी है कि जो अनमोल है, जो मैं शायद जिंदगी में कभी इकट्ठा नहीं कर पाऊँ, क्योंकि वो सालों की मेहनत से मैंने पूरा हरियाणा घूम घूम के एक एक चीज एंटीक मैंने इकट्ठी की थी, जो कि अंदर के अंदर तोड़ दी गई। मतलब सामान निकालने का भी टाइम नहीं दिया। मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी तो वो लेडी पुलिस के फोर्स लेके आई थी और उन्होंने मेरे फोन वोन भी छिनवा लिए और बोला कि इनको पकड़ लो जब तक, मतलब यहाँ पे ऊपर से हमें ऑर्डर है कि यहाँ पे एक ईंट भी नहीं बचनी चाहिए। मैडम, कहाँ से उन्होंने कुछ बताया हो, कहाँ से ऑर्डर मिले? मैंने उनसे पूछा, मैंने ये भी बोला कि आप रिटर्न में मुझे ऑर्डर दिखाइए, तो उन्होंने शुरू में तो मुझे मिसगाइड किया, ये बोला कि हमारे पास सीधा डीसी साहब के ऑर्डर हैं। तो जैसे तैसे करके मैंने किसी फोन से, जो सोनीपत के डीसी है, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा सर, मेरी फिल्म सिटी तोड़ रहे हैं और आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, और ऐसे ऐसे ये कह रहे हैं कि ये डीसी साहब के ऑर्डर हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे कोई ऑर्डर नहीं है और मुझे इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है। तो तुरंत मैंने एटीपी को बोला, मैंने कहा प्लीज़ आप यहीं रुक जाइए, आप या तो ऑर्डर दिखाइए, मेरी देखिए अभी मेरी डीसी साहब से बात हुई है और उनके कोई ऑर्डर नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो इस डिपार्टमेंट के हेड है पांडुरंगा जी, उनके रिटर्न में ऑर्डर है। तो मैंने उनको बोला अगर आपके पास ऑर्डर है तो शो मी, दिखाइए मुझे, तो वो भी उन्होंने नहीं दिखाया और सब कुछ वो 1.5-2 घंटे में खत्म करके और चले गए। मैडम जी प्रोजेक्ट नहीं है। जिस वक्त भारतीय संस्कार और संस्कृति मिटने लग रही है, आपने एक अदना सा प्रयास किया कि मैं हरियाणा की संस्कृति को बचाऊं, लेकिन आपके सपनों को चकनाचूर कर दिया गया, क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है जी ये, और कहना आज के दिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि एक 13 साल की बच्ची ने एक सपना देखा था। मैं हमेशा सोचा करती कि सब मुंबई क्यों जावे हैं, सब पंजाब क्यों जावे हैं शूट करने, वह लोग याडे क्यों नहीं आते। तो वो ही मैंने एक छोटा सा प्रयास करा था, क्योंकि मन ने पता है मैं एक फीमेल आर्टिस्ट हूँ और मेरे साथ और भी भाने इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कह रहे हो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब शूट होता था उसके पैसे लगते थे या फ्री था वो चीजें?
नहीं वो चीजें हम आर्टिस्ट मतलब मिल बांट के भी कर लेते थे। और कोई हमें, भी अगर उस पे हमने जब देखा उस पे चेक किया तो उसकी बुकिंग के पैसे ले तो रहे थे ना, तो मेंटेनेंस का तो लगता है ना क्या। पहले भी सुनो तो पहले भी तो आप परमिशन कुछ ले सकते थे, क्या गलती आपकी तरफ से भी नहीं होगी? नहीं लग रहा है, आप ये देखिए ना कि उस चीज का मतलब कमर्शियल अभी तो हमने लॉन्च ही नहीं किया था, इनॉग्रेशन ही नहीं किया था। लीगली तरीका क्या है ना, परमिशन तो लेनी होती है। आप एक बात बताइए भाई साहब, क्या आपको लगता है कि आपसे गलती हुई? भाई साहब उन्होंने गलत किया। भाई साहब आप एक बात बताओ, मैं मेन रोड के ऊपर मकान बना रहा हूँ, जिस दिन मैं नींव रखूंगा सरकार को पता होगा ना, वो रेजिडेंशियल एरिया होता है ये। सुनो मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ, कहीं भी मैं कोई भी गलत कार्य कर रहा हूँ, सरकार की नोटिस में वो चीज होती है, पहले ही आके बंद क्यों नहीं करवा देती उसको? दो साल के बाद ही सरकार की कान खुले, आंखें खुली। पूरा बनने का इंतजार क्यों किया और मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया? मुझे खाली करने का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? मुझे तोड़ने का नोटिस क्यों नहीं दिया? डीटीपी विभाग कहता है जिसकी जमीन थी हमने उसको नोटिस दिया, उन्होंने नहीं दिया। अगर दिया तो वो शो करे ना, वो इस चीज को प्रूव करे कि जितनी लैंड थी उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर लैंड है। चार बार नोटिस है, वो जारी हुए कोई भी कोई भी। देखो जी उन्होंने अगर अपने घराए पाट के घेर लिया हो ना नोटिस, तो वो एक अलग बात है, किसी साजिश के तहत होया हो तो। लेकिन मेरे तक या मतलब जो इस लैंड के ओनर है उन तक कोई भी नोटिस नहीं। आपने ये जो जमीन है वो रेंट पर ये लीज पे ली हुई है, कितने साल? 20 years। अभी आपने आपने एक बड़ा आरोप है वो लगाया है कि डीटीपी विभाग है वो सीएलयू के लिए करोड़ों रुपए का रिश्वत है वो ले रहा है, उसको लेकर किस तरह से अब आप कार्रवाई करने जा रहे हैं? कोई डिमांड आपसे की गई हो या आपको लग रहा है कि उसी लिए तोड़ा गया हो? ऐसा भाई आप किस बात का जवाब मैं दूंगा? आप किसी भी मेरी बहन है, मैं मेरी बहन की तरफ से ही बोल रहा हूँ, यहाँ से इकट्ठे हुए ही हमारा परिवार है। जो आप बोल रहे हो ना बार बार कि आपने आरोप लगाया है कि सीएलयू के लिए पैसे मांगे जाते हैं, मैं हाल फिलहाल सीएलयू के लिए घूम रहा हूँ। हमारे जोगिंदर पहलवान जी कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट जिनका अखाड़ा है खरकोदा के अंदर, उसके लिए सीएलयू के लिए घूम रहे हैं, कम से कम 2 महीने घूमते हुए बोलिए। किसी भी सरकारी ऑफिस के बाहर जाते हैं ना, अगर आपकी जेब में खर्चा है तो आप अंदर जाके एंट्री कर सकते हो, वरना आपको कोई नहीं पूछता। ये बात आपको भी पता, ये बात हमारे को भी पता। ये बहन आरोप नहीं लगा रही, ये सच्चाई बता रही है जो सच्चाई होती है। आप कोई भी सरकारी काम करवाने के लिए, एक मोर मरवाने के लिए भी जाते हो तो आपसे पहले अगर आपने 500 रुपए बाहर खड़े हुए जो भी अधिकारी होते हैं, अधिकारियों के बाहर जो गेट पे खड़े संतरी होते हैं ना, उनको 500 रुपए दे देते हो तो आपका काम एक सेकंड में हो जाता है। अगर आप पैसे नहीं देते हो लाइन में लगे रहो, आज अफसर नहीं बैठे कल आना, ऐसे ही घुमाते रहते हैं भाई। लेकिन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं छिकारा साहब, उसको लेकर क्या मुख्यमंत्री को इस बात? सर जीरो टॉलरेंस अभी करनाल के डीटीपी 1 करोड़ की रिश्वत में मिले, हाल फिलहाल की घटना है। लगता है कि उस जैसा यहाँ भी हो सकता है, हम आपसे कह रहे हैं यही तो धारणा है। आपके कहने से तो सारी चीजें नहीं हो जाएगी ना, जांच करवाए तो वो चीजें सारी सामने आ जाएंगी। और वैसे तो ये सरकार मतलब इतने सालों से ये कहती है कि भी हम फिल्म पॉलिसी लेके आएंगे, जब हम कलाकार है ना उस फिल्म पॉलिसी का फायदा ही नहीं होगा, तो वो अपने भीतर में देकर मरेंगे की सरकार। और एक कलाकार हमेशा हर सरकार का नुमाइंदा होता है, अब जब सरकार नुमाइंदों को ही मार देगी तो सरकार क्या करेगी और क्या कलाकार? आप दोबारा प्रयास करेंगे कि फिर आप फिल्म सिटी को हरियाणा की संस्कृति को जिंदा करेंगे? सरकार ने छोड़ दिए नहीं, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा रखी। जब आपके हर शिकारा जैसे मतलब एक महान भाई बैठे हैं तो मुझे तो लगता नहीं कि आप दोबारा ना कर सको, क्योंकि हर शिकारा जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही जद्दोजहद वाले इंसान। क्या प्रोसेस आपने उसमें लिखा था दिया था, मैं तो ये बोला था कि हम मुख्यमंत्री तक भी अपील पहुंचाएंगे, लेटर करेंगे? बिल्कुल पहुंचाएंगे। देखिए अभी 4 दिन की तो सरकारी छुट्टी थी और हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, और अगर हमारी बात नहीं बनी, अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो हम प्रधानमंत्री तक जाएंगे। लेकिन इस लड़ाई को इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ कल जी किसी और के साथ होगा, जो मेरे साथ होया है वो तो हो चुका, लेकिन मैं इतना वादा सरकार से मैं लिखित में चाहूँ कि कदे भी कलाकार के किसी भी कलाकार के साथ यहाँ या फिर जहाँ भी हरियाणवी संस्कृति ने ऊपर उठाने खातर कोई कदम उठाया जावे तो उस पर कदे कोई आंच ना आवे। और इस यो वादा सरकार से मैंने लिखित में चाहिए, और जो यह फिल्म सिटी है यहीं पर मैंने बनाने की, यहीं पर स्थापित करने की मैंने परमिशन चाहिए। और जितना देखो जो मेरा भावनात्मक मुझे ठेस पहुंची है उसकी भरपाई पूरी जिंदगी में नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस हादसे को मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरी आंखों आगे सारी चीज हुई है, मेरी 15 साल की मेहनत। सारे लोग आए, कोई भी मतलब चैनल वाले आते सब में पूछे जी इसने कितना टाइम लग गया बनन में, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँ कि इसने बनन में 15 साल लग गई, मेरी दिन रात की मेहनत लग गई। तो जितना भी मेरा आर्थिक नुकसान हुआ उसकी सारी भरपाई सरकार करे, और जो ऑफिसर इसमें मिले हुए हैं जिन्होंने मतलब ये नाजायज हरकत करी है उन सारा ने सस्पेंड करे सरकार। तो मैम आपने एक बदसलूकी के आरोप भी है वो अधिकारियों पर लगाए हैं, उसको लेकर किस तरह की
मुख्यमंत्री से, खासकर आप नाम उनका नोटिस कर रहे हो, अंजू जून, बिल्कुल अंजू जून और नरेश डीटीपी हैं जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है, और उनको मैंने कॉल भी किया तो उन्होंने कॉल पिक नहीं किया, और जो कि उनका मेरे पास, मैं वो भी सरकार तक पहुंचाऊंगी, कोर्ट तक लेके जाऊंगी कि मेरे पास उनका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भी है, जब उन्होंने मैंने उनको रिप्लाई कराया सारी चीज हुई तो उनसे मेरी बात भी, उन्होंने कहा ओके कोई इशू नहीं है। इसमें डीटीपी विभाग ने कहा है कि जब भी हम एग्रीकल्चर लैंड में कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उससे पहले सीएलओ लेनी पड़ती है। जब कमर्शियल बनाते हैं, देखो जी अगर मैं फार्मिंग कर रही हूँ, मान लो ये 5 एकड़ है, 1 एकड़ में बन रही है, 1 एकड़ में मैं अपना घर भी बनाऊँ तो सरकार आके मेरा घर थोड़ी ना तोड़ देगी, यो तो मतलब होता ही नहीं किसी चीज का, किसी का भी अधिकार नहीं होता यो तो। मैडम पर इसको आप कमर्शियल यूज कर रहे हो, ये बात नहीं मान रही, शो फिर सरकार शो करे अगर मैं कर रही हूँ, इसको नहीं बोलोगे तो गलती होंगी ना। नहीं नहीं, अगर कोई भी बिलिंग हुई है आपके, इंस्टाग्राम पे जाके देखिए, बुकिंग के लिए इस नंबर पर संपर्क करिए, सारी चीजें। तो वो मेरे कलाकार साथियों के लिए था। और एक मिनट सुनो, मैंने तो अभी इसका कोई रजिस्ट्रेशन दिखाओ मुझे कि नाम, इस नाम से मैंने ये फिल्म सिटी रजिस्टर्ड करवाई है। अब हो सकता है मेरी, नहीं नहीं मेरी मेरी मेल आईडी से दिखाओ वो चीजें, ऐसे तो पता नहीं कौन क्या बना देगा। वो तो पॉइंट उनकी तरफ से तो यही है ना, बताओ पक्ष की कमर्शियल यूज कर रहे हो आप, या तो वो मतलब मेरी भी मेल आईडी से दिखाई कोई भी चीज, मेरा उसमें कोई भी हाथ दिखाए किसी भी प्रकार का, या फिर किसी नाम से आदमी रजिस्टर्ड तो करवा हुआ कि तो कुछ करेगा, तो वो चीज दिखाओ आप। नहीं फिर क्या कहना चाहते हो, किसी और ने किया है? अब देखो मेरा नाम एके जट्टी अनुकादान है, तो मेरे नाम के ना 200 अकाउंट फेक हैं, तो वो सारे मन्ने तो नहीं बना रहा। फिर आप इससे क्या कहना चाह रहे हो कि वो फेक है जो बुकिंग है? हाँ बिल्कुल फेक आपकी। तो अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया था, अभी तो हमने चालू ही नहीं करी थी, बनके पूरी ही नहीं हुई थी। जब पूरी भी हो रही हो तो सरकार ने मतलब की दिक्कत है, मतलब हम अपने कल्चर ने बढ़ावा देवे हैं, जो वो चीज उनने तोड़ दी, उन तो उन्हें क्या दिक्कत है? उनसे बात की डिपार्टमेंट से, वो ये कह रहे हैं कि परमिशन क्यों नहीं ली, ये दिक्कत है। तो फिर उनने तोड़ने की परमिशन क्यों नहीं ली? नहीं तोड़ने की नहीं ले सकते, अगर मैं क्यों नहीं ले सकते, खाली करने का तोड़ने का नोटिस होता है ना, नोटिस होता है इसमें, अगर उन्होंने क्यों नहीं दिया? वो तो कह रहे हैं हमने नोटिस दिए हैं और उनके नाम लिए देखा, आपने देखा नोटिस? दिखाएंगे सर, बताएंगे। आपने देखा नोटिस? हमने नहीं देखा, लेकिन अब हवा तो बार बार कर ये कह रहे हैं कि नहीं मिला आपका, जो चीजें मतलब हरियाणवी संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए की गई, आप मतलब उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं? उन्होंने कह दिया कि वो दिखाएं, हमें दिखाएं वो। अब तो सरकार ही दे, क्योंकि जी अब मेरे पास इतने पैसे को नहीं कि मैं दोबारा तो ये सारी चीजें कर सकूं, मैं तो खुद इतनी कमजोर हूँ, मतलब 2 दिन में तो मुझे होश आया है, अब मेरे में इतनी हिम्मत को ना कि मैं जाकर लाइन में खड़ी हूँ और मैं लाखों रुपए उनसे सीएलयू के दूं। अब तो सरकार में इतना सारी चीज देवे, इधर ही बनान की परमिशन देवे, और जिंदगी में कदे किसी कलाकार गेला या जो कल्चर ने ऊपर उठान खातर कोई प्रयास करे है उस पर कदे आँच ना आवे, यो वादा मैंने सरकार लिखित में दे। एक बात और कहना चाहेंगे, अब हरियाणा सरकार की तरफ से कलाकारों को अब कलाकारों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। हरियाणा मैं सोनोटेक परिवार से राजेश चौहान बोल रहा हूँ। हम क्या करें, आपका पक्ष ले लिया, उनका ले लिया, हम तो आपकी करेक्ट करा रहे हैं चीजें। आज तक हरियाणा गवर्नमेंट से हमारी फिल्म इंडस्ट्री को कोई हेल्प नहीं मिली, मानते हैं सभी अपनी मेहनत से, अपने पैसों से, अपने घर के पैसों से गाने बनाते हैं, रिलीज करते हैं। सब कानून लिखते मानना तो आप एक बात बताओ, एक मिनट, आप एक बात बताइए, बंद कर लो भाई साहब, वैसे बात करा, नॉर्मली बात करा, घर पे खर्चा हुआ है, सीएलयू पास करा 6 करोड़ आता, लेकिन सबूत